हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज मैं एक वीडियो गेम की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ। ये जो वीडियो गेम है गेम सर की तरफ से आ जाता है। गेम सर के जितने भी वीडियो गेम्स या फिर उनके गेम कंट्रोलर्स होते हैं काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और उसका प्राइस भी जो है थोड़ा सा कम ही देखने को मिलता है। इस वीडियो गेम को मैंने खरीदा है banggood.in से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहे तो इस वीडियो गेम को खरीद भी सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि banggood से किस तरह से खरीदना है, तो banggood से जो है आप ऐप से भी खरीद सकते हो। उसका ऐप का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस तरह के बॉक्स में मिला है मैं ये वीडियो गेम। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये जो वीडियो गेम है 3 कलर्स में मिल जाता है। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से बॉक्स को करते हैं ओपन। यहाँ से दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ और ऑल पर भी जरूर से क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो भाई, इसके अंदर है अपना वीडियो गेम और इसके साथ जो है हम लोगों को एक ईयरफोन भी मिल जाता है। भाई साहब, पहली बार देखा है मैंने कोई वीडियो गेम के साथ हम लोगों को ईयरफोन्स मिल रहे हैं, तो ठीक ठाक ही क्वालिटी लग रही है देखने में। और यहाँ पर है हमारा वीडियो गेम, वीडियो गेम को निकाल लेते हैं। तो यह है इसकी यूज़र मैनुअल, इसको रखते हैं साइड में। और दोस्तों, ये रहा अपना वीडियो गेम। तो इस वीडियो गेम का जो साइज है मेरे को बिल्कुल सही लगा यार। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट वीक ये वाले वीडियो गेम की अनबॉक्सिंग की थी। ये जो वीडियो गेम है गाइस, थोड़ी सी दिक्कत लगी थी मेरे को, जैसे कि इसके अंदर हम लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं तो गेम जो है थोड़े से लैग होने लगते हैं और इसका प्राइस भी जो है मेरे को थोड़ा सा ज्यादा ही लगा था। बिल्कुल इसके अंदर जो गेम्स मिल रहे हैं इसके अंदर भी वही गेम्स मिलते हैं, पर इसका प्राइस जो है थोड़ा सा कम है। पर ये जो वीडियो गेम की सबसे खास बात आप देख रहे हो गाइस, पोर्टेबल है, इसको आप पूरी तरीके से फोल्ड भी कर सकते हो। इसका फुल वीडियो आप देखना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो भी बात करते हैं इस वीडियो गेम के बारे में। इस वीडियो गेम का साइज जो है एक नॉर्मल साइज का जो मोबाइल फोन होता है 5.5 या फिर 6 इंच का, उतना सा साइज हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसके दो जॉयस्टिक्स है, जैसे कि देख रहे हो, ये देखने में बटन जैसे दिखते हैं पर ये जॉयस्टिक्स है, देख रहे हो आप। इसको चारों तरफ मूव कर सकते हो, दो जॉयस्टिक्स दिए गए यहाँ पर। यहाँ पे स्टार्ट बटन, यहाँ पे सेलेक्ट बटन है और यहाँ पे इसका डीप पैड। बटन्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगी मेरे को। और यहाँ पे इसके एक्शन बटन्स, और इस तरफ यहाँ पे राइट ट्रिगर है, लेफ्ट ट्रिगर है, और ट्रिगर्स की भी क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है गाइस। यहाँ पे है वॉल्यूम अप डाउन के कीज़, और यहाँ से हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड भी दिया हुआ है, चाहे तो हम इस मेमोरी कार्ड को निकाल कर इसके अंदर कोई भी दूसरी गेम्स डाउनलोड करके गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। यहाँ पे 3.5 mm जैक दिया गया है ईयरफोन्स वगैरह लगाने के लिए, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पे इसकी स्पीकर ग्रिल, यहाँ पे गेमसर का लोगो भी दिया हुआ है। पीछे से भी ये जो वीडियो गेम है काफ़ी ज़्यादा मस्त नज़र आता है। तो चलो फटाफट से इसको करते हैं ऑन, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो भाई, हमारा वीडियो गेम जो है ऑन हो चुका है। डिस्प्ले वाकई में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है गाइस इसका। तो ओके, हमारा वीडियो गेम जो है ऑन हो चुका है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर गेम्स देखने को मिलते हैं, गेम्स के बाद यहाँ पर वीडियोस देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो इस मेमोरी कार्ड के अंदर वीडियोस वगैरह भी डाउनलोड कर इसके अंदर से देख सकते हो, म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो। और यहाँ पे ई बुक का ऑप्शन, पे फोल्डर का ऑप्शन है, कैलकुलेटर है, पिक्चर्स है, फोटोज वगैरह भी आप चाहे तो इसके अंदर देख सकते हो। नेक्स्ट है कैलकुलेटर, रिकॉर्डर भी दिया गया है इसके अंदर, जैसे कि आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इसके अंदर से रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे इसका माइक्रोफोन मिल जाता है। यहाँ पे सेटिंग्स, तो और नीचे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से जो है गेम स्टार्ट होती है गाइस। काफ़ी बढ़िया बढ़िया गेम्स है, जैसे कि स्ट्रीट फाइटर 2 है, स्ट्रीट फाइटर है, और भी बहुत सारे गेम्स हैं। नीचे की तरफ देखते हैं और कौन से गेम्स इसके अंदर मिलते हैं। तो भाई, यहाँ पे देख रहे हो बैटल सिटी है, मैरियो है, नाइट्स है, कॉन्ट्रा है, और भी देखते हैं गाइस कितने गेम्स है। तो ये यहीं तक ही एंड होता है, ऊपर चलेंगे गाइस। यहाँ पर मैं आपको और भी गेम्स है वो भी दिखाता हूँ, तो इसको बैक कर लेते हैं यहाँ से। तो ये जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको और भी अलग अलग कैटेगरीज के गेम्स देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर हम लोग एंटर होते हैं अभी, तो यहाँ पे देख रहे हो गाइस बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज है, एक एक कैटेगरी के अंदर शायद आपको 25 से 30 गेम्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। SFC के अंदर यहाँ पे गेम्स आपको नजर आ रहे हैं, MD है, NES है, MAME है, GBA है, GBC है। तो ये हर एक फोल्डर के अंदर 20 से 25 आपको गेम्स देखने को मिलती है। इसके अंदर आने के बाद मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम वो लगी गाइस, यहाँ पे जो आप लैंग्वेज देख रहे हो ये चाइनीज़ है या जापानीज है, मेरे को कुछ आइडिया है नहीं गाइस। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसी तरह से गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको सेलेक्ट कर लिया है मैंने, तो गेम को रिस्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हो ये कोई निंटेंडो की गेम है,
अच्छा तो ये सुपर मैरियो वर्ल्ड गेम है। तो दोस्तों इस वीडियो गेम के अंदर मेरे को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नजर आई नहीं, बटन्स भी काफी ज्यादा टेक्टाइल है, काफी अच्छी तरीके से बटन्स वगैरह काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम ये लगी कि इसका जो डिस्प्ले है उतना ज्यादा ब्राइट है नहीं गाइस। आप अगर साइड से देखोगे तो उतना कुछ खास आपको नजर नहीं आएगा, अगर आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखकर गेम्स वगैरह खेलोगे तो काफी ज्यादा मस्त नजर आता है इसका डिस्प्ले। तो चलो दोस्तों अभी आपको मैं कुछ गेम्स वगैरह भी खेल के बता देता हूँ इसके अंदर। तो चलो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ड्रैगन बॉल जी गेम खेल के बताता हूँ। वाओ दोस्तों गेम्स के अंदर जो ग्राफिक्स है और कलर्स है काफी ज्यादा मस्त है यार। और अपना गोकू देखो क्या ही फाइट कर रहा है भाई साहब। दोस्तों अभी खेलते हैं पनिशर गेम, इसके अंदर भी जो ग्राफिक्स है काफी मस्त देखने को मिलते हैं। ओ भाई क्या ही कराटे फाइट मार रहा है यार ये तो। दोस्तों अभी खेलते हैं स्ट्रीट फाइटर 2 गेम। भाई ये तो इसको मारे जा रहा है यार, इसके पास इतनी ज्यादा पावर है। दोस्तों अभी खेलते हैं सैमुराई जैक गेम। ये गेम भी काफी ज्यादा बढ़िया लगी गाइस मेरे को, देख रहे हो काफी ज्यादा मस्त फाइट कर रहा है हमारा समुराई जैक। कंक्लूजन दोस्तों भी खेलते हैं कॉन्ट्रा गेम। काफी सही है यार, बटन्स वगैरह सभी परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो गेम है मेरे को काफी ज्यादा सही लगा यार इसके प्राइस के हिसाब से। वैसे मैं आपको बता दूं इसका जो प्राइस है 1500 रुपीज है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप चाहे तो इस वीडियो गेम को खरीद भी सकते हो। तो दोस्तों आपको इस वीडियो गेम के अंदर कौन सी गेम अच्छी लगी नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। तो चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों आज देखते हैं किसको किसको मिलने वाला है शाउट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है यूसुफ, आर्यन, रमेश, डायलेन, शैलेश कुमार, जगदीप सिंह, ईशान, सुनील, रिशत,
प्रियम दास, थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है, एंड मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार वीडियो गेम्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।